मांझी जी लगातार हमलावर हैं कि हमारा बेटा भी सीएम होना चाहिए। सबकी अपनी इच्छा होती है तो गलत बात है क्या? तो क्या है ये हमलावर कहाँ है ना, लगातार बोल रहे हैं। वो चाहते हैं उनका बेटा सीएम बने, तो कौन अपना बेटा को जो है ऊंचा जाते हुए या बड़े से बड़े पद पे जाते हुए नहीं देखना चाहता। मेन मकसद है 2024 में भाजपा को भगाना। हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में सांप्रदायिक शक्तियों को आने नहीं दे सकते। उनको कोई हड़बड़ी नहीं। अब इसके मायने आप समझ जाइए। क्या होली बात तेजस्वी यादव वाकई में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या ललन सिंह के बयान से महागठबंधन में दरार पड़ गया है? ऐसे कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब तेजस्वी यादव दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जहानाबाद पहुंचे हैं, तमाम सवालों के जवाब और कयासों पर पूर्ण विराम लगाते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले उनके बयानों को सुनिए। होली बात सोच नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन मकसद है 2024 में भाजपा को भगाना और उस मकसद के साथ हम काम कर रहे हैं। आप ही के विधायक आया है, धन की सरकार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। कहीं किसी को जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जी रामा जी, हम लोग विचारधारा जो हमारी है, हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में सांप्रदायिक शक्तियों को आने नहीं दे सकते। एक बात समझ जाइए, मांझी जी लगातार हमलावर हैं कि हमारा बेटा भी सीएम होना चाहिए। सबकी अपनी इच्छा होती है तो गलत बात है क्या? ना गलत। तो क्या है ये हमलावर कहाँ है ना, लगातार बोल रहे हैं। वो चाहते हैं उनका बेटा सीएम बने, तो कौन अपना बेटा को जो है ऊंचा जाते हुए या बड़े से बड़े पद पे जाते हुए नहीं देखना चाहता? सब लोगों की इच्छा होगी। आप नहीं चाहते आपका बेटा आपसे ज़्यादा नाम करे। सही बात, तो सबकी इच्छा होती है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को, हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं। अब इसके मायने आप समझ जाइए। सही बात कि क्या सर, कोई धोखा तो नहीं हुआ? कोई धोखा तो नहीं हुआ? ये किस बात का धोखा होगा? ये जो लग रहा है कि बात तो चेंज हो रहा है कि बनेंगे 25 में बनेंगे, 24 में बनेंगे। बोल रहा है ललन सिंह, बोल रहे थे ललन सिंह, बोल रहे थे वो। आप लोग पूछ रहे हो ना, 25-24 वो तो दूर की बात है। तो क्या गलत बोला उन्होंने? गलत क्या बोला? त्यागी तो बोल दिया कि 30 तक वैकेंसी। अरे भाई, ऐसा शब्द बोला है या क्या बोला? नहीं, बोले कि 30 तक। हम तो सीएम चेहरा नीतीश कुमार जी जो है उनमें क्षमता है ही ना भाई, वही बात कही है ना, 25 या 30। जी तो क्या, और जितना आगे बढ़ेगा उतना अनुभव बढ़ेगा उनका, इसमें गलत क्या है? सही बात। 24 में क्या है, कितने सीटें जीतने का आपका ये है बिहार से 24 में कितने सीटें लोकसभा की जीतेंगे? तो कोशिश है एक भी सीट भाजपा ना जीते। तो आपने सुना बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जहानाबाद एक कार्यक्रम के दौरान जब उनसे सवाल किया गया, क्या वाकई में तेजस्वी यादव होली बाद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जैसा कि उनके विधायक कह रहे हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कोई जल्दीबाजी नहीं है मुझे मुख्यमंत्री बनने की। सांप्रदायिक ताकतों को रोकना ही हम सभी लोगों का मेन मकसद है। अपनी महत्वाकांक्षा के चलते सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत नहीं होने दिया जाएगा। वही जीतानामा जी और ललन सिंह द्वारा जो बातें कही गई, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, ललन सिंह ने 25 की बात 25 में होने की कही, उनका समर्थन भी किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं जीतानामा जी, अगर अपने बेटे को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो हर बाप अपने बेटे को आगे बढ़ाता है। उनका सपना होता है कि मेरा बेटा हमसे ज़्यादा नाम कमाए, हमसे ज़्यादा जो है वो पहचान बनाए। अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसमें गलत क्या है? तेजस्वी यादव को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, तमाम कयासों पर, तमाम सवालों पर अब पूर्ण विराम लग चुका है।